नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों मैं आया हूं आज गुजरात के चंपानेर पावागढ़ में। पावागढ़ के आपको मैं दर्शन करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि पावागढ़ कैसा है। ये तो है दोस्तों पावागढ़ का जो मेन स्थान, जिसको हम माची बोलते हैं, जहाँ से इधर सामने जो है वो लिफ्ट के टिकट और लिफ्ट का जो है बेस है। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए सब दुकानें वगैरह गिरा रखी है। तो अभी हम ऊपर चलेंगे और ऊपर लिफ्ट से और बाकी आपको मैं मंदिर के दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर भी रोप वे से हमको जाना होगा। सो गाइज, अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ से पावागढ़ का जो व्यू है ऊपर से आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आज बिल्कुल खाली, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, हमने दिन ही ऐसा चुना है। पावागढ़ में दोस्तों अब काफ़ी चेंज हो गया है, अच्छा डेवलपमेंट कर दिया है। और इधर जो है ये एक मंदिर है। सरोवर अच्छा पूरा भर चुका है दोस्तों, यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी हुई है। और यहाँ का जो स्वरूप है वो वैसा का वैसा है। इवन इन बिल्डिंगों को भी मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि ये बिल्डिंगें बिल्कुल वैसी की वैसी है। यहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है, एक अच्छा बढ़िया भव्य मंदिर का निर्माण काम चल रहा है। और अभी हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, उसके पहले मैं ऊपर से आपको एक झलक दिखा देता हूँ। ये इस तरह से कुछ दिखता है यहाँ पर। और इधर जो है वो हलोल कलोल है। और अभी हम बिल्कुल टॉप पर हैं इसके मंदिर के। दोस्तों पावागढ़ से आप खूबसूरती देख सकते हैं। ये है दोस्तों पावागढ़ मंदिर, जहां हम आ चुके हैं। और अब हम यहां मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये है दोस्तों पावागढ़ मंदिर, आप भी दर्शन करिए। तो यहाँ पर दोस्तों किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ही बहुत अच्छी दुरुस्त है। यह है माँ पावागढ़ वाली माता का मंदिर, उनका दरबार, आपने दर्शन किए। और इधर मंदिर से बाहर आते ही यहाँ पे प्रसादी काउंटर है, सॉरी उधर है प्रसादी काउंटर। और बाकी इधर पूरा खुला कैंपस है, आसपास मंदिर के आसपास बहुत ही अच्छे खुला खुला सा, और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे। अभी बहुत सारी गर्मी है, धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है। ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की गर्मी है। और काफ़ी अच्छा बन गया है और बहुत ही शानदार तरीके से, और इसका डेवलपमेंट जारी है। एक बार फिर मैं आपको ऊपर से यहाँ का
सीन जो है वो दिखा देता हूँ कि पावागढ़ में ऊपर से कैसा दिखाई देता है। इधर जो है मैंने आपको बताया कि वे वहाँ पर कुछ बना हुआ है और हलोल कलोल इस डायरेक्शन में है और ये बहुत ही गहरी यहाँ पर खो दिखाई दे रही है। और ये मंदिर है माता जी का। पिछली बार जब मैं आया था तब इतना कोई यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ नहीं था क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद में मैं आ रहा हूँ। हालांकि हमारे गांव से ये पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ पास में होती है वहाँ पर इतना हम उसको अच्छे से देख नहीं पाते हैं या फिर जा नहीं पाते हैं। और ये है वापस मंदिर के बैक साइड। तो दोस्तों जो मंदिर निर्माण का काम चल रहा है तो वो इधर से एंट्री हो जाएगी इसका होने के बाद में, जैसा कि मैंने लेआउट में देखा है। और ये आप देख सकते हैं नीचे भी यहाँ पर एक सरोवर है और बाकी का जो वो रास्ता है, अगर जिसको पैदल जाना हो वो पैदल जा सकता है। और वहाँ पर जो है वो रोपवे का बेस स्टेशन है और ये जो है ये इधर का पैदल मार्ग है। और नीचे है जो है जिसको चंपानेर पावागढ़ बोलते हैं और आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बाकी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। थोड़ा सा फोगी है यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम अपनी जर्नी वापसी की ओर कर रहे हैं कि अब जाएंगे नीचे मार्केट और मार्केट के बाद में लिफ्ट में बैठकर माची पर जाएंगे। एक बार और दोस्तों आप यहाँ नीचे से मंदिर का जो निर्माण हो रहा है ये और मंदिर की जो मेन जगह है वो देख सकते हैं। सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है ये। तो दोस्तों अब पावागढ़ नीचे हम उतर रहे हैं लिफ्ट से। तो यहाँ रोपवे से नीचे का सफर हम करेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं जो लिफ्ट है वो जा रही है नीचे और ये इधर मंदिर पे हम जहाँ ऊपर गए थे वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, सो गाइस ये है चंपानेर का फॉरेस्ट, पावागढ़ का तो दोस्तों आज एक अचानक से सुबह प्रोग्राम बना था कि आज पावागढ़ चला जाए, तो हम पावागढ़ आए थे और ज़्यादा कुछ इसमें मैंने बताया भी नहीं है, जितना कुछ हो सकता था उतना बताने की कोशिश की है। और भीड़ बहुत कम थी क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं और अगले हफ्तों से आने वाले दिनों में फिर नवरात्रि चालू हो जाएगी तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाएगी। तो हमारे गाँव के पास में भी है ये। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का मेरा वीडियो। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।